सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में 2022 में जो भी मैं ड्राइंग्स किया था, एक एक करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी करके शुरू कर दें। और हर एक ड्राइंग्स की ट्यूटोरियल वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो भी ड्राइंग्स आप लोगों को पसंद आएगी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल के वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर विवेकानंद जी का ड्राइंग बना था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 12th जैन इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और इस ड्राइंग को मैं कैमलिन की वाइल्ड पेस्टल से बनाया था। देन विराट कोहली की ये स्क्रेवलेट बनाया था। 6th जनवरी स्पेशल ये फिंगर से मैं इस ड्राइंग को बनाया था, जो कि एथलिक कलर्स है। और उसके बाद पुष्पा मूवी आया था, तो उसके लिए मैं इस ड्राइंग को बनाया था। और इसकी जो फेस है, इसके लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया था, और हेयर्स वगैरह के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं इस ड्राइंग को किया था। देन सुशांत सिंह राजपूत की बर्थडे स्पेशल में इस ड्राइंग को बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रिबल आर्ट है। एंड देन रिपब्लिक डे स्पेशल इंडियन फ्लैग को बनाया था, जो कि डॉम्स की ऑयल पेस्टल से बनाया था। उसके बाद ये सरस्वती माँ की ड्राइंग बनाया था, जो कि कैमल की ऑयल पेस्टल से। लता मंगेशकर जी की ड्राइंग बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हो ये भी स्क्रिबल आर्ट है। और ये वीडियो मेरा वायरल गया था, ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन व्यूज आया था इसमें। ये शिवाजी महाराज जी की ड्राइंग बनाया था, जो कि डॉम्स की ऑयल पेस्टल से, और ये A3 साइज में मैं बनाया था। देन ये महादेव जी की ड्राइंग बनाया था, और इसको भी मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। और उसके बाद एक कैनवास बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाया था, जो कि डोरेमोन और नोबिता की है, और इस ड्राइंग को मैं एक्रेलिक कलर से बनाया था। और ये दोनों आप लोगों को पता होगा कि मैं रशियन और यूक्रेन वॉर के लिए बनाया था, जो कि आप लोग देख ही सकते हो स्क्रिबल आर्ट है। और इसको मैं दोनों हाथ से बनाया था इस तरीके से। और नेक्स्ट है मोनालिसा की आर्ट, इसको भी मैं A3 साइज में ही बनाया था, और इसको भी मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। और इसके डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मेहनत करके बनाया था इसको मैं। और नेक्स्ट में होली की कलर से मैं इस ड्रॉइंग को बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हो अभी ये खराब हो चुकी है। और उसके बाद कश्मीर फाइल मूवी आया था, आप लोगों को पता होगा, और उसके लिए मैं इस स्क्रिबल आर्ट को बनाया था। एंड देन मैं ये कैनवास बोर्ड के ऊपर कृष्णा और यशोदा मैया की ड्राइंग बनाया था, और इस ड्राइंग को मैं कैमल की सॉफ्ट पेस्टल से बनाया था। और ये ड्राइंग बहुत ही अच्छा बना था गाइस, बट इसके ऊपर जब फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ किया था उसके बाद ये खराब हो चुकी थी। एंड देन KGF चैप्टर 2 की मूवी रिलीज हुआ था, उसके लिए मैं इस ड्राइंग को बनाया था। उसको बनाने के लिए मैं ये मैस्ट्रिक का यूज़ किया था। उसके बाद ये राम और हनुमान जी की ड्राइंग बनाया था, जो कि अभी ड्राइंग फोटो मेरे पास नहीं है, बट वीडियो है, आप लोग देख सकते हो वो वाला वीडियो। देन मैं सिंचन की ड्राइंग बनाया था, जो कि कैनवास बोर्ड के ऊपर है, और इस ड्राइंग को मैं एक्रेलिक कलर से बनाया था। उसके बाद ये यास की ड्राइंग बनाया था, जो कि KGF चैप्टर 2 की है, और इस ड्राइंग को मैं A3 साइज में बनाया था, और डॉम्स की ऑयल पेस्टल से बनाया था। ओके, नेक्स्ट में ये ड्राइंग बना था, जो कि मदर्स डे स्पेशल है। और इस ड्राइंग की जो दो फेसेस है, इसके लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया था, और बाकी जो भी है उसके लिए मैं कैमल की चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था, और इस ड्राइंग को मैं A3 साइज में बनाया था। ओके, नेक्स्ट है बुद्धदेव की ड्राइंग, जो कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस ड्राइंग को कैनवास बोर्ड के ऊपर बनाया था, और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ किया था। और उसके बाद ये डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्राइंग, जो कि मैं A3 साइज में बनाया था, और डॉम्स की ऑयल पेस्टल से बनाया था। देन ये छोटू सा थॉर की ड्राइंग, जो कि मैं फिंगरप्रिंट्स के ऊपर बनाया था, और इस ड्राइंग को मैं DPR ड्राइंग से इंस्पायर होकर बनाया था। देन ये सिद्धू मूसेवाला जी की ड्राइंग, ये ड्राइंग भी आप लोगों को पता होगा कि वायरल हुआ था, और इस ड्राइंग को मैं स्क्रिबल आर्ट टेक्निक से बनाया था। और उसके बाद KK सिंगर की ड्राइंग, इस ड्राइंग को भी मैं स्क्रिबल आर्ट टेक्निक से ही बनाया था। ओके, नेक्स्ट ये फादर्स डे स्पेशल ड्राइंग, और इस ड्राइंग को मैं ग्रेफाइट पेंसिल से किया था। देन ये राधा कृष्ण जी की ड्राइंग, और इस ड्राइंग को मैं A3 साइज में बनाया था, और डॉम्स की ऑयल पेस्टल से बनाया था। और उसके बाद ये टेक्नोब्लेट की माइनक्राफ्ट ड्राइंग बनाया था, और इस ड्राइंग को भी मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। एंड देन ये महादेव जी की ड्राइंग, और इस ड्राइंग को मैं A4 साइज में किया था, और इस ड्राइंग को भी मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल से ही किया था। और उसके बाद ये मिस्टर बिस्ट की ड्राइंग, जब उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे यूट्यूब पर, और इस ड्राइंग को मैं कलर पेंसिल से किया था। देन ये भगत सिंह जी की ड्राइंग, और इस ड्राइंग को भी मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। और उसके बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ड्राइंग, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। ओके, नेक्स्ट ये कृष्णा जी की क्ले आर्ट, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था, बट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी वो कैसे मैं इसको बनाया था। नेक्स्ट है गणेशा की ड्राइंग, और इस ड्राइंग को मैं कैनवास बोर्ड के ऊपर किया था, आप लोग देख ही सकते हो, और कैनवास बोर्ड के ऊपर मैं डॉम्स की ऑयल पेस्टल यूज़ करके किया था। और उसके बाद मैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ड्राइंग किया था, जो कि ग्रेफाइट पेंसिल से किया था।
एंड देन में ये माँ दुर्गा की ड्राइंग बनाया था और इसको भी मैं डॉम्स के ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। उसके बाद फिर से माँ दुर्गा की ड्राइंग ही बनाया था बट इस पर बूस्ट्रो की कलर पेंसिल से बनाया था। और नेक्स्ट डे दिवाली स्पेशल काली माता जी की ड्राइंग और इसको भी मैं डॉम्स के ऑयल पेस्टल से ही बनाया था। एंड देन ये मंडला आर्ट, इसको मैं टेक्निकल पेंसिल से बनाया था, बूस्ट्रो की टेक्निकल पेंसिल। देन में ये 10 रुपीज की वैक्स क्रेयन से मैं विराट कोहली की ड्राइंग बनाया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की ड्राइंग जो कि मैं डॉम्स की कलर पेंसिल से बनाया था 100 रुपीज वाला। एंड देन ये टेक्नो गेमर्स की ड्राइंग जब उनकी 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे। देन ये सेंटा क्लॉस की ड्राइंग और इस ड्राइंग को मैं A3 साइज के ऊपर बनाया था और किस चीज़ से बनाया था ये मैं नहीं बोलूँगा। और उसके बाद ये मेसी और ओलांडो की ड्राइंग जो कि मैं इस तरीके से किया था, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो। एंड देन ये सेंटा क्लॉस की ड्राइंग और लास्ट में ये हैप्पी न्यू ईयर की ड्राइंग। तो बस यही कुछ ड्राइंग था जो कि मैं 2022 में बनाया था। सो आई होप गाइस आप लोगों को हर एक ड्रॉइंग्स पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वो हर एक ड्रॉइंग्स मेरे चैनल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो जिसको भी जो भी ड्रॉइंग्स पसंद आई आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलो अभी बाय।